हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज की सुनने में देखेंगे रेलवे ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम हुआ है दिल्ली जोन का, यानी कि नॉर्दर्न रेलवे का, उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है 2022 में। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी सभी का देखेंगे वन बाय वन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो आरआरसी दिल्ली जोन में टोटल नंबर ऑफ अप्लाइड फॉर्म, इसमें लगभग 19,400 फॉर्म अप्लाई हुए थे और इसमें वैकेंसी आपको पता है 13,153 वैकेंसी है और इसमें वैकेंसी डिटेल भी मैं बता देता हूँ आपको। सो यहाँ पर आप वैकेंसी डिटेल देख सकते हो। इसमें जनरल की 5144 वैकेंसी है, एससी की 2,017 वैकेंसी है, एसटी की 1,031 है, ओबीसी की 3,644 है, ईडब्ल्यूएस की 1,317 है। टोटल ऐड करके 13,153 वैकेंसी है। सो अगर पर सीट कॉम्पिटिशन की बात करें दिल्ली जोन में, तो इसमें 19,400 कैंडिडेट ने अप्लाई किया है और जब 13,153 से डिवाइड करोगे तो लगभग 142 कैंडिडेट आएंगे जो पर सीट कंपटीशन है कि एक सीट पे 142 कैंडिडेट ने अप्लाई किया है। लेकिन अटेंडेंस आपको पता है बहुत ही कम है, ये 40-42% भी मैंने बहुत ज़्यादा लिया है। लगभग ये 30-35% अटेंडेंस हो रही है ओवरऑल, लेकिन कुछ जगह ज़्यादा है इसलिए मैंने एस्टिमेटेड किया लिया है, क्योंकि पक्का तो पता नहीं रहता है। लेकिन आपको पता है जब भी आप एग्ज़ाम देने जाओगे लगभग मुश्किल से 40 में से 15, कहीं कहीं 10, इससे ज़्यादा स्टूडेंट नहीं है। आप कमेंट में बता भी सकते हो कि आपने जब एग्ज़ाम दिया था तो कितनी अटेंडेंस थी, उससे आइडिया भी लग जाएगा सभी स्टूडेंट को और आपके शिफ्ट वाइज। इसके अगर हम इसका 40% कर देते हैं, 40 मैंने ज़्यादा ही लिया है, तो लगभग इसमें 800,000 स्टूडेंट आते हैं, यानी कि अब पर सीट कंपटीशन कितना हो गया 70, यानी कि एक वैकेंसी के लिए 70 स्टूडेंट हैं जो फाइट कर रहे हैं। अब आपको पता है जो ये 13,153 वैकेंसी है, जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, जो इसका CBT 1 का रिजल्ट आ जाएगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, तो उसमें 3 गुना स्टूडेंट को बुलाया जाएगा, यानी कि अगर 13,153 का 3 गुना करोगे तो लगभग 39,400 के आसपास आएगा, यानी कि 39,400 के लगभग स्टूडेंट जाएंगे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में। तो अब यहाँ पे 70 को 3 से डिवाइड करोगे तो लगभग 25 के आसपास होगा, यानी कि अब एक सीट पे 25 लोग फाइट कर रहे हैं किसके लिए, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में जाने के लिए। तो आप देख सकते हो कि ऐसे ही कितना कंपटीशन कम हो गया है यहाँ पर। अब बात करते हैं पेपर के डिफ़िकल्टी लेवल का। आपको पता है 2018 का पेपर जब भी आप लगाते होंगे कितने अच्छे मार्क्स आएंगे, लेकिन इस बार जो 2019 की वैकेंसी से 22 में एग्ज़ाम हुआ है उसमें कितनी डिफ़िकल्टी लेवल है, कोई भी सिंपल लाइन में क्वेश्चन नहीं है, चाहे वो GS का ही हो। GS में भी साइंस का आपको पता है कितना घुमा फिरा के स्टेटमेंट वाइज ये क्वेश्चन दे रहे हैं। इसके अलावा जो रीजनिंग है, रीजनिंग में कोडिंग एंड डिकोडिंग ये टेबल के फॉर्म में दे रहे हैं, तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन सिंपल फॉर्म में नहीं है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड करके दे रहे हैं और इससे क्या हो रहा है स्टूडेंट के अटैम्प्ट कम हो रहे हैं। और जो साइंस का पोर्शन है इस बार काफ़ी अच्छे लेवल का पूछा जा रहा है जो प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम हुआ था, तो प्रीवियस ईयर से तो कंपेयर हम कर ही नहीं सकते हैं इस वैकेंसी को, क्योंकि प्रीवियस ईयर में 64,000 के लगभग वैकेंसी थी और जो कैंडिडेट ने अप्लाई किया था उसमें लगभग 1,89,00,000 के आसपास, यानी कि लगभग 1,90,00,000 के आसपास स्टूडेंट ने अप्लाई किया था और उसमें एग्ज़ाम भी ज़्यादा स्टूडेंट ने दिया था। और इस बार क्या है आपको पता है, इस बार 1,03,000 वैकेंसी है और कैंडिडेट जो हैं 1,15,00,000 के आसपास है, तो पिछले के मुकाबले इस बार कैंडिडेट ने कम अप्लाई किया और वैकेंसी ज़्यादा है, तो इससे भी कट ऑफ पे फ़र्क पड़ेगा। और डिफ़िकल्टी लेवल आपको पता ही है कि कितना अच्छा खासा इसमें डिफ़िकल्टी लेवल आया है, मॉडरेट टू हार्ड पेपर को बनाया गया है, तो इस बार कट ऑफ काफ़ी कम जाने के उम्मीद है। सो अब फाइनली कट ऑफ की बात करते हैं। कट ऑफ ये रो स्कोर के बेस पे है, रो स्कोर के बेस पे है और जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा उसमें जाने के लिए है, जिसमें 3 गुना ज़्यादा स्टूडेंट बुलाए जाएंगे, यानी कि दिल्ली जून में लगभग 39,000 स्टूडेंट बुलाए जाएंगे, तो उसके बेस पे है। किसके बेस पे है, रो स्कोर के बेस पे है, नॉर्मलाइजेशन नहीं है, ध्यान रखना। सो अगर जनरल की बात करें तो जनरल की कट ऑफ जो रो स्कोर है, अगर आपके 57 मार्क्स आ रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ हो और इसमें आप -3 कर लेना
क्योंकि कुछ शिफ्ट के बहुत ही हार्ड पेपर आए तो उसमें माइनस 3 भी कर सकते हैं, तो 57 से ज़्यादा नहीं जाएगा जो रो स्कोर है। इसके अलावा जो ओबीसी का है, ओबीसी का 53 के आसपास जाएगा, माइनस 2 to 4 कर लेना जिसका भी हार्ड शिफ्ट में है, क्योंकि आपको पता है वेरिएशन देखने को मिल रहा है थोड़ा बहुत शिफ्ट में। और EWS का लगभग 55 के आसपास जाएगा, इसमें भी माइनस 3 कर सकते हो जिसका भी हार्ड आया है। SC की बात करें तो 50 के आसपास रहेगा, क्योंकि बहुत सारे जोन में काफ़ी हार्ड पेपर आया तो उसमें माइनस 3 to 4 कर लेना। अब ST की बात करते हैं, ST का लगभग 46 के अप्रोच रहेगा और इसमें भी माइनस कर लेना जितना भी हार्ड लेवल का एग्ज़ाम हुआ है जिसमें भी, उसमें माइनस 4 कर सकते हैं। सो इतना आपका रो स्कोर के बेस पे कट ऑफ जा सकता है मेरे अकॉर्डिंग। आप कमेंट में बता सकते हो कि आपने कितना अटेम्प्ट किया है और अभी तक आपके कितने सही हो रहे हैं। आपको पता है अटेम्प्ट के बाद चाहे कितनी भी एक्यूरेसी मेंटेन करो कुछ ना कुछ गलत ही होता है, तो कमेंट में आप बता सकते हो कि आपके कितने सही हैं जितने भी दिल्ली जोन वाले हैं। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर देना। और एक SSC CGL का भी फॉर्म आया है जिसमें 20,000 प्लस वैकेंसी है और उसमें पैटर्न भी चेंज हो गया है, तो रेलवे वालों का उसमें बेनिफिट भी है क्योंकि रीजनिंग और जो GK है उसमें ऐड हो गया है जो फाइनल कट ऑफ बनेगा। तो उस वीडियो को देख सकते हो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, तो आपको काफ़ी अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। सो थैंक यू गाइस।